स्टूडेंट्स असलम टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद यर लेक्चर ऑन इन्वेंट्री एंड हाउ इट इज़ ट्रीटेड विद इन क्विक बुक्स याद रहे कि इन्वेंट्री आपकी वो मेन सोर्स है मटीरियल है जो कि आप सेल करते हैं और आपकी तमाम इनकम का दार मदाल इसी सेल पर है याद रहे कि इन्वेंट्री जब भी आप लेकर अपने पास रखेंगे तो ये एक एसेट होगी और जब हम इसको सेल करेंगे तो वो हमारी इनकम होगी जिस कीमत पे हम इन्वेंट्री खरीदते हैं वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और जिस पे हम उसको बेचते हैं वो हमारी उसकी सेल्स है इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो हमारा ग्रॉस मार्जिन होता है लेकिन हम इसको डिटेल में देखेंगे कि हम ये पूरी मकैनज़म किस तरीके से अपने सिस्टम के अंदर बिल्ड करें याद रहे कि इन्वेंट्री बेस इस बात पे करती है कि ये सारी चीज़ें हम किसी थर्ड पार्टी से हासिल कर रहे हैं या हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने स्टोर में रख रहे हैं और अपने क्लाइंट को थ्रू इनवॉइस बेच रहे हैं इनवॉइसिंग का तरीकेकार सेल्स का तरीकेकार आपने देख लिया है अब हमने देखना है कि जो सेल्स हमने की है जिन चीज़ों की जिस मटेरियल की हमने सेल की है वो हम किस तरह से हासिल करते हैं अपने पास कैसे रखते हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसकी कॉस्टिंग कैसे करते हैं ताकि हम वो सेल कर सकें लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पूरा सिस्टम जो हम अब क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम टेंजिबल गुड्स या प्रोडक्ट्स भी रखने वाले हैं बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके लिए ये इन्वेंट्री की ज़रूरत ही नहीं होती अब आप पूछेंगे वो कैसी कंपनी है जो किसी मटेरियल की इन्वेंट्री ही नहीं रखती और फिर वो बेचती क्या है वो बेचती है अपनी सर्विसेज, अकाउंटेंट लॉयर डॉक्टर कंसल्टेंट ये तमाम वो लोग हैं जो अपनी सर्विसेज बेचते हैं ये कोई टेंजेबल प्रोडक्ट नहीं बेचते ना बनाते हैं ना मैन्युफैक्चर करते हैं ना इंपोर्ट करते हैं और ना ही कुछ एक्सपोर्ट करते हैं ये अपनी स्किल्स और अपनी सर्विसेज जो है वो लोगों को देते हैं इनके पास इन्वेंट्री वाला मॉड्यूल नहीं चल रहा होगा लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट भी बेच रहा है जो सर्विसेज भी बेच रहा है हमारे पास इन्वेंट्री का पूरा मॉड्यूल है जो कि हमारे क्विक बुक्स के अंदर बिल्ट इन है करता क्या है ये यकीनन ये यही करता होगा इन्वेंट्री का पूरा स्टॉक रखता है और जैसे जैसे सेल होती रहती है उसका रिकॉर्ड रखता है जितने हमने ऑर्डर दे दिए हैं उनका रिकॉर्ड रखता है और हमें ये बताता रहता है कि इन्वेंट्री में क्वान्टी और उसकी अमाउंट कितनी है और जैसे जैसे सेल होती रहती है हमारी इन्वेंट्री कम होती रहती है और जैसे जैसे हम बाइंग और परचेजेस करते रहते हैं हमारी इन्वेंट्री बढ़ती रहती है ये सारी रिकॉर्डिंग ये पूरा मैकेानज़म ही हमारी पूरे बिजनेस का एक क्रक्स है और इसमें अहम चीज़ ये है हमें याद रखना चाहिए कि इन उसी वक्त पॉसिबल होगी जब आपके टेंजिबल प्रोडक्ट्स तमाम के तमाम लिस्टेड हो बड़े वो सर्विसेज हो या वो कोई ना कोई इन्वेंट्री के प्रोडक्ट हो ये सारी हमारे पास लिस्टेड होनी चाहिए उसके बगैर हम इनवॉइसिंग वगैरह कर ही नहीं सकते आइए क्विक बुक्स पर चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास इन्वेंट्री का मॉड्यूल नहीं है तो हम उसको इन्वोक कैसे करते हैं और उसका किस तरह का अफेक्ट होता है हमारे पूरे क्विक बुक्स के सिस्टम पे। तो लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स सबसे पहले हम होम पेज पे जाके देखते हैं हमारी स्क्रीन पे। हमारे पास एक पूरा पैनल वेंडर का है एक कस्टमर का है कस्टमर में आपने देख लिया कि हमने तकरीबन पूरी चीज़ इसकी कम्प्लीटली कवर कर ली है कि किस तरीके से हम एस्टिमेट बनाते हैं बेस्ड ऑन दैट एस्टिमेट हमने इन बनाई उसके बाद उसको रिसीव किया और उसको हमने अपने पास जब उसकी पेमेंट आई तो उसकी डिपॉज़िट को भी हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया हमारे पास इस वक्त वेंडर के जो पैनल है उसमें हमारे पास सिर्फ इंटर बिल्स और पे बिल दो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है इसका पूरा का पूरा एक प्रोसेस है और प्रोसेस शुरू होता है हमारे पास जब हम पी बनाते हैं वहाँ से और ख़त्म होता है जब हम उस बिल की जो हमारे माल के साथ उन्होंने भेजा है हमें इन उसकी हम पेमेंट कर देते हैं जिस तरीके से हमारा कस्टमर जो है हमारे इनवॉइस का मंतजर रहता है कि वो आएगी तो मुझे पता चलेगा क्या पेमेंट करनी है हम लोग भी अपने की जो है, उसके मंतजर होते हैं कि वो आए ताकि हमें पता चले कि हमारे पास क्या माल आया किस रेट से आया ताकि हम उसकी पेमेंट कर सकें सबसे पहले तो हमने जाके अपनी एडिट के मेन्यू में प्रेफरेंस में जाके चेक करना है कि हमारा आइटम्स एंड इन्वेंट्री का पूरा प्रोसेस ऑन कैसे करना है इसमें हमने जैसे कि आपको नजर आ रहा है इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर आर एक्टिव इस वक्त ये चीज चेक नहीं है तो हमने इसको चेक करनी है ताकि हम इन्वेंट्री और परचेज ऑर्डर दोनों अपने पास बना सकें और ये पूरा प्रोसेस हम चला सकें इसको जैसी हम टिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दो मजीद हमारे पास ऑप्शन खुल गए हैं इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर एक्टिव का मतलब यह है कि अब हम अपने सिस्टम में परचेज ऑर्डर भी जनरेट करेंगे और इन्वेंट्री भी मैनेज करेंगे इसका मतलब यह है कि जो परचेज ऑर्डर से लेके बिलिंग का पूरा साइकिल है वो हमारे पास अब कंप्यूटर पे आया करेगा और रिकॉर्ड हुआ करेगा और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके साथ साथ जो उसने हमें दो और चीज़ें एक्टिवेट करके दी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कहता है वॉर्न अबाउट डुप्लीकेट परचेज ऑर्डर नंबर मतलब ये है कि गलती से अगर हमारा डुप्लीकेट परचेज ऑर्डर बन गया तो क्या मैं वार्निंग दूँ तो यकीन हम चाहेंगे कि हमें सिस्टम वॉर्न करे कि आप ये परचेज ऑर्डर नंबर पहले इस्तेमाल कर चुके हैं दोबारा ना बनाएं रीज़न क्या है परचेज ऑर्डर होता क्या है वो हम बाद में देखते हैं दूसरी चीज़ वो कह रहा है वॉन इफ नॉट इनफ इन्वेंट्री क्वान्टिटी इज़ अवेलेबल ऑन इन हैंड इसका मतलब ये है कि हमारे पास इन्वेंट्री अगर कम है और हम सेल्स करने जा रहे हैं तो वो हमें वार्निंग दे। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या इन्वेंट्री ना होते हुए भी आप सेल्स कर सकते हैं बज दफ़ा होता ये है क्योंकि अक्सर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में या थोड़ी सी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोक्योरमेंट का सिस्टम एक डिपार्टमेंट अलग-अलग से चला रहा होता है और सेल्स का सिस्टम एक डिपार्टमेंट अलीहदा चला रहा होता है प्रोक्योरमेंट वाले तमाम इन्वेंट्री मैनेजमेंट और उसकी खरीद प्रोक्योरमेंट वो सारी उसकी अकाउंटिंग ये सब वो कर रहे होते हैं और तमाम वेंडर्स से चीज़ें ले रहे होते हैं इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं अपने पास रख रहे होते हैं और उनकी बिल की पेमेंट भी करवा रहे होते हैं इसी तरह सेल्स वाला जो सिस्टम है वो ये देख रहा होता है कि हमारी इन्वेंट्री में चीज़ें पड़ी हुई हैं तो इनको हम सेल्स कर दिया जाए और कस्टमर से अपने पैसे कलेक्ट करते रहें दोनों काम फ़र्क हैं लेकिन हमारे पास ये दोनों फैसिलिटीज़ हमारे सिस्टम में अवेलेबल हैं होता ये है कि बज दफ़ा इन्वेंट्री वाला जो इन्वेंट्री को मेंटेन करने वाला बंदा है या जो डिपार्टमेंट है जो भी आप कह लें वो थोड़ा सा लैग कर रहा होगा या वो थोड़ा स्लो चल रहा है जब वो स्लो चल रहा होगा तो हमारे पास इन्वेंट्री में चीज़ें नहीं होंगी जबकि फिज़िकली वहाँ मौजूद होंगी ये वाली गलती अक्सर हो जाती है और इसमें इसमें दोनों डिपार्टमेंट्स को साथ साथ चलना चाहिए लेकिन ये चीज़ हमारा सिस्टम ये देखता रहता है मॉनिटर करता रहता है कि क्या मेरे पास चीज़ें इन स्टोर इन स्टॉक मौजूद हैं अगर मौजूद हैं तो मैं सेल्स करने की इजाज़त दूंगा नहीं तो मैं एक वार्निंग दूंगा कि हमारे स्टॉक में ये चीज़ें नहीं हैं जिसकी आप इन्वाइस बना रहे हैं लेकिन इन्वास बनाने से नहीं रोकेगा आप कहेंगे क्यों नहीं रोक रहा जब हमारे पास इन्वेंट्री में नहीं है इन्वायस का मतलब ये है कि ये चीज़ मैंने आपको देनी है और ये उसकी इन है ज़रूरी नहीं कि आप उसी वक्त सारी चीज़ें उठा के ले जाएं। हो सकता है कि एक दिन दो दिन या पूरे एक हफ्ते के बाद आपने ये सारी सप्लाई करनी हो तो इन्वायस आप बना सकते हैं और इन द मीन वाइल हम अपने वेंडर से वो तमाम चीज़ें ले आएंगे बहरहाल ये तो एक पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो साथ, -साथ बिजनेस के चलता रहता है लेकिन मैं इसके पीछे रीजनिंग आपको बता रहा हूँ तो अभी हमने ये किया है कि ये दोनों चीज़ें एक्टिवेट करवा दी इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास पूरा इन्वेंट्री सिस्टम भी चल रहा होगा और उसके साथ साथ उसके जितने लवाजमात हैं वो भी हमें पूरे कर रहा होगा फॉर इन्वॉइसिंग एज वेल ना सिर्फ हमें वो ये बता रहा है कि परचेज़ ऑर्डर डुप्लीकेट ना बनाओ बल्कि जो सेल्स वाले लोग होंगे उनको भी वार्निंग दे रहा होगा कि हमारे पास ये क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है तो ये दोनों काम हमने एक्टिवेट कर दिए हैं एक साथ ही और जब हम ओके कहेंगे तो ये कहेगा कि मैं तमाम विंडोज़ तमाम चीज़ें बंद करके दोबारा से इसको रीसेट करके ऑन करता हूँ हमने ओके किया अब दोबारा से हमारी सारी स्क्रीन रीसेट होके आनी है तो लेट्स गो ओवर टू आवर होम पेज और अगर आपको पिछला होम पेज याद नहीं है तो आप ज़रा ये रिकॉर्डिंग बैक करके देख लें कि उसकी शक्ल क्या थी और आप देखिए कि उसकी शक्ल कौन सी आ रही है अब आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास सिर्फ एंटर बिल और पे बिल था और अब हमारे पास परचेज ऑर्डर रिसीव इन्वेंट्री एंटर बिल्स अगेंस्ट इन्वेंट्री इसमें हमारे पास मजीद चीज़ों का इजाफा हो गया है इसका मतलब यह है कि जब हम इन्वेंट्री सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो पूरा का पूरा सिस्टम ही हमारे पास ओके ओके आ जाता है क्विक बुक्स में और वो पूरा एक सब सिस्टम है जो कि ओवरऑल बिजनेस को देख रहा है इसमें सिर्फ अकाउंटिंग नहीं हो रही बल्कि इसमें फिजिकल काउंट और वैल्यू रखी जा रही है उन चीज़ों की जो कि हमारे पास मौजूद है याद रहे ये सिस्टम हमारा जो हमारी मेन इन्वेंट्री है उसके बारे में है आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप ऑफ आइटम्स होते हैं दिस इज़ बेसिकली फॉर आर इन्वेंट्री आइटम टाइप नॉन इन्वेंट्री आइटम टाइप के लिए नहीं है सर्विसेज के लिए नहीं है ग्रुप के लिए नहीं है ये है हमारा इन्वेंट्री आइटम टाइप द बैकबोन ऑफ आर बिजनेस जिसके ऊपर हम सारी चीज़ों का दारदार है जो चीज़ हम सेल करते हैं या जिससे हम उठा के अपनी मैनुफैक्चर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं सो दिस इज हाउ वी एक्टिवेट आर इन्वेंट्री सिस्टम विद इन क्विक बुक्स अब जबकि आपने देख लिया है कि क्विक बुक्स में हमने अपना इन्वेंट्री सिस्टम पूरा ऑन कर लिया है अब वो हमारे साथ ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा हमने अब उसे कुछ नहीं करना वी ओनली हैव टू मैनेज आर इन्वेंट्री अकाउंट्स वो खुद हैंडल करेगा कैसे करेगा किस तरीके से करेगा हमारी कैसे मदद करेगा ये हम आईंदा आने वाले लेक्चर्स में देखते हैं लेकिन याद रहे कि अब हमने अपनी इनवॉइसिंग से बढ़ के इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी अपने ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम ऑन करवा लिया है एंड नाव वी आर गोइंग टू डू इन्वेंट्री मैनेजमेंट एज वेल विद इन क्विक बुक्स